पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने की मांग को लेकर पदयात्रा पर निकले आशीष चित्रांशी का सैफई में जोरदार स्वागत। नोएडा दिल्ली से पदयात्रा कर आ रहे यूसी न्यूज के प्रधान संपादक आशीष चित्रांशी जी का सैफई में बैंड बाजों के साथ फूल मालाओं से स्वागत किया गया। इस दौरान प्रधान संपादक आशीष चित्रांशी जी ने कहा है कि पत्रकारों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ यूपी सरकार को पत्रकार सुरक्षा कानून बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पत्रकारों की आवाज दबाने के लिए हर एक व्यक्ति खड़ा है। पत्रकारिता लोकतंत्र का स्वतंत्र स्तंभ है। लोकशाही को दुनिया की सबसे खूबसूरत पद्धति माना गया है, जिसमें लोकतंत्र दुनिया के गरीब कमजोर व्यक्ति बात की कहने का आजादी रखता है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता एक ऐसा माध्यम है जो गरीब व्यक्ति की आवाज को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमारी पद यात्रा यहीं पर नहीं खत्म होगी, यह पद यात्रा लखनऊ तक चलेगी, जिसके बाद हम राष्ट्रपति व राज्यपाल के नाम लखनऊ में ज्ञापन देंगे। हम सभी पत्रकारों की तरफ से मांग करते हैं पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया जाए, जिसमें पत्रकारों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ को रोका जाए। पत्रकार एकता, आशीष जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आशीष जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं।